अच्छा, आपने एक बात बोली कि कई मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का काम बीजेपी में किया जाता है, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ भी देखा जाए तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो अभी घोषणा पत्र हालांकि जारी नहीं हुआ है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो बोली गई हैं, जैसे लाडली बहना योजना को लेके भी हमने देखा, जो जिस तरह से अभी बीजेपी की सरकार द्वारा लाडली बहन योजना जो चल रही है, जिसमें 1,000 रुपए हर किसी के खाते में जा रहे हैं और पैसे ही लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो पीसीसी चीफ जो कमलनाथ है, उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा करेंगे। देखिए, कमलनाथ ने उसी योजना को नारी सम्मान का दर्जा दिया है, तो उन्होंने नारी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो बात कही। लेकिन अगर वाकई आपको लाडली बहना को 1,000 रुपए दे के उनको मजबूत करना है, तो वो लाडली बहना, आप जब जो लाडली बहना, जैसे हम सब मातृशक्ति हैं, बहने हैं, तो हमारा सबसे ज्यादा समय किचन में बीतता है, अगर हम राजनीतिक और मीडिया के परिदृश्य में नहीं है। तो वही बुंदेलखंड की माताएं चूल्हे पे रोटी बनाना बहुत अच्छे से जानती, तो उनको आपने उज्ज्वला योजना दे करके गैस चूल्हे की आदत डाल दी, आपने फिर एक बुरी आदत लगाई, अब वो बुरी आदत सारे परिवारों में, पूरे प्रदेश में लग गई, तो आपने गैस सिलेंडर को आसमान छुआने का काम कर दिया, 1,200 रुपए का कर दिया। अब वो बेचारा गरीब परिवार कहाँ से जो है इतना महंगा गैस सिलेंडर भरवा के और अपना सामंजस्य बिठा पाएगा। एक हाथ से आप देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं, और आज आप इतनी बात कर रहे हैं कि 1,000 से बढ़ाकर मैं 3,000 आप फ्री में किसी व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? कोई भी होगा, आप उसको लाचार, अगर घर परिवार में माता पिता है, अगर वो बच्चा करने योग्य हो गया और आप उसको पॉकेट मनी देते रहेंगे, तो वो, आप उससे हिसाब किताब पूछेंगे नहीं, वो बिगड़ेगा जाके। तो यही काम प्रदेश, हमारे प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, तो मैं तो उनसे ये कहूंगी कि ये सब योजना बंद करके आप मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लाने का काम करें, नौजवानों को रोजगार दें और मातृशक्ति का संबल बनाएं, स्व-सहायता समूह जैसी नीतियों को ला करके उनको मजबूत करने का काम करें, उनको मजबूर करने का काम ना करें। जी। अच्छा रोशनी जी, आपने एक बात और बोली कि अभी आपकी 2 महीने पहले ही सीएम शिवराज से मुलाकात हुई थी, एक तस्वीर हमने भी देखी थी जब आपकी पीसीसी चीफ कमलनाथ से भी मुलाकात हुई थी, जब आपने बीजेपी से इस्तीफा भी नहीं दिया था उससे पहले ही वो मुलाकात हुई थी, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आप बीजेपी से इस्तीफा दे दें, हालांकि बाद में वो सही भी हुआ, लेकिन क्या ये तभी डील फिक्स हो गई थी या क्या बातचीत आपकी तब उनसे हुई थी? देखिए, वो डील नहीं थी, चूंकि मैं जिला पंचायत सदस्य, एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो सत्ता सरकारें जिसकी भी रहेगी, हम क्षेत्र के विकास और कामों को लेकर के कमलनाथ सर के पास भी जा सकते हैं, शिवराज जी के पास भी जा सकते हैं, चूंकि ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम अपने क्षेत्र के कामों को लेकर के, वो फाइल को लेकर के जाए। तो उस समय मैं भी यही विषय अवगत कराने गई थी सीएम साहब के पास, मैं मोटी एक फाइल लेकर के गई, कई सारे सड़क के, जो हमारी आज शिक्षा की नीति गढ़ी गई है, और आज भी अगर आप सर्वे करेंगे, वहां जाकर देखें स्कूलों की स्थिति, कि बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्थित रूप से व्यवस्था नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, मैं खुद तो बुंदेलखंड से हूं जी। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी महिलाएं घूंघट में रह के अपनी बात को नहीं कह पाती हैं, और जब अगर एक सक्रिय भूमिका में अगर एक कार्यकर्ता काम करती है, तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसी महिलाओं को संबल बढ़ाना चाहिए, और आप देखेंगे कि इन सब चीजों से वो सारी चीजों को दरकिनार करते जाते हैं, और केवल घोषणा 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 मशीन बन करके केवल घोषणाएं करना जानते हैं। आज कई लाडली बहनों के जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, अब उन्होंने एक नई चीज ला दी, भाई ट्रैक्टर किसके पास होगा? उन्होंने कहा ट्रैक्टर होना चाहिए, अगर ट्रैक्टर उसके पास होता तो फिर उसको 1,000 रुपए लेने की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, और लगातार मैं तो यही कहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति के, धर्म पे चलने का काम कर रही है, मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है, आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं करते कि कैसे इस व्यवस्था को बनाया जाए। आज पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए, टमाटर के दाम, बुंदेलखंड में, आप बुंदेलखंड बिलोंग करती हैं तो आप जानती होगी कि वहां अगर किसी के पास भाजी तरकारी के लिए पैसे नहीं है, तो वो रोटी चटनी बना करके अपना पेट भर लेते हैं। आज टमाटर इतना महंगा हो गया कि वो चटनी भी नसीब नहीं हो रही है। तो इन ठोस मुद्दों पे आपको जमीन पे जाना पड़ेगा, धरातल पे जाना पड़ेगा, और जब तक आप अन्नदाता को मजबूत नहीं करेंगे, किसानों को मजबूत नहीं करेंगे, उनके, तो ये कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यही कहूंगी कि इस बार वो अपना मन बना लें कि
प्रदेश में नहीं जी आने वाले, जी कमलनाथ सर की सरकार आएगी और कांग्रेस यहाँ पूर्ण बहुमत से 150 पार होकर जाएगी।